तो इस वाली वीडियो में मैं माइनक्राफ्ट के अंदर बनाने वाला हूँ एक फुल डायमंड बीकन एंड उसके लिए मैं करने वाला हूँ 20,000 से भी ज़्यादा ब्लॉक ट्रैवल ताकि हम लोग को मिल पाए टोटल 1,000 से भी ज़्यादा डायमंड। ओके सो एज यू कैन सी अभी जब हमने लास्ट टाइम जो है 100x100 का एरिया जो माइन करा था उससे मैंने बहुत सारी पिकैक्स बनाई थी सो वही पिकैक्सेस अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ एंड अभी हम लोग जल्दी चलते हैं हमारी स्टोरिंग रूम में एंड वहाँ पर मेरे पास और भी ज़्यादा पिकैक्सेस पड़ी है सो वो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या काम आने वाली है। तो हम लोग जो पिकैक्सेस जो रिपेयर है वो वाली मैं यूज़ करने वाला हूँ सो अभी हम लोग को चाहिए कोल सो कोल ढूंढ ले। ओके सो ये बना ली मैंने टॉर्चेस क्योंकि हम लोग माइनिंग करेंगे तो हम लोग को टॉर्चेस चाहिएगी एंड अभी बारी की थी एक बड़ी सी बढ़िया सी जगह ढूंढने की जहाँ पर हम लोग माइनिंग करने वाले हैं क्योंकि मेरे घर के पास कोई अच्छी जगह नहीं है। ओके सो एज यू कैन सी ये जगह मैंने ढूंढी एंड यहाँ पर मैं एक थोड़ा बहुत यहाँ पर मतलब निशानी के कुछ बना रहा हूँ ताकि अगर मेरे को दोबारा से ऊपर आना पड़े तो वापस से मैं यहीं से माइनिंग कंटिन्यू कर पाऊँ। सो कुछ इससे हम लोग बना लेते हैं एंड अभी हम लोग को नीचे डिग करना है -58 तक क्योंकि अभी मैं खेल रहा हूँ 1.18 के अंदर जिसके अंदर के मतलब वाई एक्सिस और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है एंड हम लोग को नीचे जो है डायमंड मिलते हैं सो जल्दी चलते हैं नीचे। ओके सो एज यू कैन सी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर नीचे एंड यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरिया बना दिया जहाँ पे हम लोग माइनिंग करने वाले हैं सो एज यू कैन सी कुछ इससे मैंने एरिया बनाया है एंड यार मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ अजीब से लग रहा है हम लोग को डायमंड मिलने वाले हैं नहीं इतने सारे सो मैं सबसे पहले कुछ इस डायरेक्शन में माइन करने वाला हूँ एंड अभी मैं स्पीड रन करने वाला हूँ 1 घंटे का एंड मैं देखने वाला हूँ कि 1 घंटे में हम लोग कितने ज़्यादा डायमंड मिलते हैं उसके बाद हम लोग और भी ज़्यादा ब्लॉक ट्रैवल करेंगे जैसे 5,000 एंड 10,000 बट उससे पहले मैं 1 घंटे का स्पीड रन करने वाला हूँ एंड देखते हैं कि हम लोग को कितने ज़्यादा डायमंड मिलते हैं सो डायरेक्टली स्पीड रन स्टार्ट करते हैं सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो फाइनली मैंने कर लिया है 1 घंटे का स्पीड रन खत्म एंड एज यू कैन सी मेरे को मिली टोटल 51 डायमंड और एंड मुझे नहीं पता कि कितना मतलब ये सही है ज़्यादा या फिर कम है तुम लोग मुझे कमेंट जरूर बताना क्योंकि मैं 1.18 के अंदर पहली बार माइनिंग कर रहा हूँ एंड मुझे नहीं पता 1 घंटे में कितने ज़्यादा मिलते हैं सो तुम लोग मुझे कमेंट बताना कि तुम लोग को 1 घंटे के अंदर कितने मिले एंड ये ज़्यादा या फिर कम है। सो मैंने इसको सेल्टस की पिक से भी माइन करा था सो जल्दी इसको फॉर्चून 3 से माइन कर लेते हैं एंड भाई देखते हैं हम लोगों को टोटल कितने सारे डायमंड यहाँ पर मिलते हैं। ओके अभी सो मैंने सभी ओर्स को माइन कर लिया एंड लोग देखते हो मेरे को कुछ इतना मिला है 1 स्टैक एंड 40 से ऊपर सो आई थिंक सो इतने काफ़ी होंगे 1 घंटे में हम लोग को मिल रहे तो आज से सब लोग को मिल जाएंगे एंड अभी देखते हैं यार हम लोग को और कितना ज़्यादा माइन करना पड़ेगा इतने सारे डायमंड के लिए एंड एग्जैक्ट मुझे नहीं पता मेरे को ब्लॉक्स में पता है बट डायमंड में मेरे को नहीं पता मतलब 1,000 ज़्यादा ही चाहिए होते हैं। सो भी हम लोग चलने वाले हैं घर पर एंड देन हम लोग माइन करने वाले 5,000 ब्लॉक्स सो मैं थोड़े बहुत ये डीप सेट वगैरह भी ले लिए क्योंकि हम लोग कुछ बिल्ड वगैरह करेंगे सो उसमें काम आएगा सो थोड़े बहुत मैं ये भी कलेक्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल शेकर बॉक्स में रखते इसको देन डायरेक्टली घर पर चलते हैं। ओके सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ थोड़ी दूसरी जगह एंड अभी मैं माइन करने वाला हूँ टोटल 5,000 ब्लॉक्स सो अभी तुम लोग देखते हो मेरा ये जो एक्स मतलब है यहाँ पर मैं 160 पे हूँ मतलब -660 पे हूँ सो अभी मैं इसको 5,000 ब्लॉक तक करने वाला हूँ एंड लिटरली मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है एंड मुझे देखना है कि 5,000 ब्लॉक ट्रैवल करने के बाद मुझे कितने ज़्यादा डायमंड मिलते हैं सो यस करना ही है डायरेक्टली माइनिंग स्टार्ट कर रहा है एंड लावा ने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया मेरे को थोड़ा बहुत साइड में होकर निकलना पड़ रहा था इससे एंड मैं बहुत बार जला तो खाने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही थी सो अब बाकी सबको छोड़ते हैं अभी डायरेक्टली माइनिंग स्टार्ट करते हैं एंड भाई लेट्स सी कितने ज़्यादा डायमंड मिलेंगे हम लोग को।
ओके सो गाइस, फाइनली मैंने ट्रैवल कर लिया है 5000 ब्लॉक एंड अभी मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ कितने सारे डायमंड मिले हैं। एज यू कैन सी मैंने 5000 ब्लॉक कर लिया। मैंने -660 से स्टार्ट करा था एंड -5660 पर हूँ एंड तुम लोग देख तो भाई इतने ज़्यादा डायमंड मेरे को मिल रहे हैं। मतलब मेरे को इसके अंदर लगभग 1.5 आवर या फिर लगभग 2 आवर लग गए होंगे इसको 5000 ब्लॉक्स को माइन करते हुए, बट तुम लोग देख तो इतने सारे डायमंड मिले भाई, लिटरली मतलब अलग ही खुशी लग रही है भाई। बट इतने काफ़ी नहीं होंगे, सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्चून 3 से माइन करते हैं, देन उसके बाद हम लोग ट्रैवल करने वाले और 10,000 ब्लॉक, क्योंकि भाई ये इनफ नहीं है। इतने सारे डायमंड दिखने में ज्यादा है बट भाई बीकन के लिए इतने ज्यादा नहीं है ये। ओके सो फॉर्चून 3 से माइन करने के बाद मेरे को कुछ इतने ज्यादा डायमंड मिले हैं। मतलब हम लोग के पास 1.5 स्टैक था, उससे हम लोग को लगभग 4 स्टैक मिल चुका है, 4.5 स्टैक मिल चुका है हम लोग को। सो ये बहुत ज्यादा है बट अभी हम लोग को और ज्यादा माइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको शल्कर बॉक्स में रख देता हूँ एंड अभी मैं जाने वाला हूँ घर पर, क्योंकि मेरे इलाइट्रा के रॉकेट्स वगैरह खत्म हो चुके हैं। सब मैं सीधा जाऊँगा घर पर, मतलब रॉकेट खत्म भी नहीं हुए, मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है एंड मेरा खाना वगैरह भी खत्म होना है। सो डायरेक्टली चलते हैं घर पर एंड और रॉकेट वगैरह लेकर आते हैं एंड खाना वगैरह लेकर आते हैं। ओके सो फाइनली सारे डायमंड लेकर मैं आ चुका हूँ घर पर एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल से आया क्योंकि मेरे रॉकेट खत्म हो चुके थे एकदम दो बजे, तो फिक्स आ चुका हूँ। एंड भाई घर पर आकर एकदम स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि हम लोग के पास दो दो बीकन लगे हुए हैं। अभी जल्दी से चलते हैं हमारे स्टोरिंग रूम में एंड यहाँ पर जितने भी डायमंड हैं उनको हम लोग रख देते हैं ताकि यहाँ पर ये सेफ रहे। एंड मेरे को थोड़े बहुत गोल्ड वगैरह लेना पड़ेगा क्योंकि मैं गोल्डन कैरेट बनने वाला हूँ। नॉर्मल फूड ले जाऊँगा तो भाई वो उससे बहुत जल्दी जल्दी कम हो जाता है हंगर बार। सो भी देखते हैं सारा सामान हम लोग कहाँ रखना है, तो इस चेस्ट पे हम लोग सारा सामान खाली कर देते हैं। कचरा वचरा बहुत ज़्यादा भर चुका है एंड इसमें शेल्कर बॉक्स में भी जो भी है वो भी हम लोग जल्दी से खाली कर देते हैं। ओके सो जितने भी डायमंड वगैरह थे वो मैं रख दिए चेस्ट के अंदर एंड जो कचरा वगैरह था वही चेस्ट के अंदर रख दिया है। एंड अभी हम लोग जाने वाले दूसरी डेस्टिनेशन पर हम लोग ये माइनिंग करने पर। सो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं आयरन फार्म हम लोग कितना ज़्यादा आयरन आया है। एंड भाई देखो भाई कितना ज़्यादा तगड़ा वर्क कर रहा है भाई, अब तो आयरन की बिल्कुल कमी नहीं है। पहले हम लोग ने 100x100 का एरिया माइन करा था, उसमें और आयरन लगा गया एंड 1.18 में ये भी अच्छे से वर्क करने लग गया है। सो अभी तुम लोग देख तो अभी हम लोग एक बढ़िया जगह ढूंढने, सो मैं सोच रहा हूँ पिछले हम लोग उस साइड गए थे, सो अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ इस साइड जाऊँ तो इस साइड थोड़ी अच्छी जगह देखते हैं एंड वहां से माइनिंग स्टार्ट करते हैं। एंड अभी मैं टोटल करने वाला हूं 10,000 ब्लॉक ट्रैवल, यानी कि 20,000 ब्लॉक माइन, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा मैं डबल डबल ब्लॉक माइन कर रहा हूं। सो ऐसे अगर हम लोग 10,000 ब्लॉक ट्रैवल करेंगे तो हम लोग का 20,000 ब्लॉक जो है माइन हो जाएगा। एंड ये थोड़ा रिकॉर्डिंग में तुम लोग को गेम लैग दिख रहा होगा, बाकी मेरे अंदर नहीं हो रहा, आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है बीच बीच में। सो अभी जल्दी चलते हम लोग नीचे एंड Y58 पर एंड दोबारा से 10,000 ब्लॉक की माइनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। ओके सो फाइनली 5 घंटों के बाद मैंने ट्रैवल कर लिया है 10,000 ब्लॉक एंड भाई लिटरली तुम लोग देख सकते हो 10,000 भाई बहुत ज़्यादा होता है ये एंड मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई है। एंड मैं इतना ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं करा ताकि तुम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बाकी तुम लोग डायमंड देख सकते हो कितने सारे डायमंड मिले भाई एंड कुछ मैंने बिना सिल्टर से तोड़ दिए थे, सो डायरेक्टली मेरे इन्वेंट्री में आ चुके हैं। एंड आई थिंक सो अभी ये इतने काफ़ी होंगे मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, बट हाँ यार मुझे डर भी लग रहा है। बट अभी मैं सीधा घर पर जाने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं यहाँ पर इन सबको माइन करने वाला हूँ फॉर्चून 3 से, जैसे हम लोगों ने पहले 2 बार किया उसी टाइप से हम लोग यहाँ पर माइन करने वाले हैं एंड देन हम लोग इनको घर पर लेकर चलने वाले हैं। एंड मुझे नहीं पता यार इस मतलब होंगे या काफ़ी है इतने नहीं, सो एक बार हम लोग इनको बनाते हैं जल्दी से, मैं चीज़ें बनाता हूँ देन डायरेक्ट हम लोग घर पर चलते हैं एंड देखते हैं कि इतने इनफ होते हैं या फिर नहीं। ओके सो ये मैं आ गया दोबारा से घर पर एंड भाई लिटरली हम लोग का वर्ल्ड कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ऊपर से कितना ज़्यादा बड़ा दिखता है। सो मैं सारे डायमंड लेकर आ चुका हूँ एंड रास्ते में मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिली, तुम लोग इससे मेरे को कुछ ट्रेजर वगैरह भी मिले एंड उसमें से मेरे को ये सब चीज़ें मिली, मतलब बैम्बू भी मिल चुका है एंड मेरे को जंगल बायोम भी मिली थी लिटरली, बट उसके अंदर बैम्बू नहीं था तो मेरे को शिप रैक में मिला। बाकी जो भी सामान है यहीं रखते हैं एंड मैं शेल्कर बॉक्स में यहीं भूल के चला गया था। सभी सारे डायमंड मैं लेकर आ चुका हूँ, तुम लोग देखते हो ये लास्ट 10,000 से लोग माइनिंग करी थी उससे हम लोग को इतने सारे डायमंड मिले। अब मेरे को ये लगता है भाई ये इनफ होंगे एंड भाई अरे भाई यार हम लोगों को 2-4 स्टैक और चाहिए भाई। नहीं भाई देखना इससे बनेंगे ही नहीं ब्लॉक, मेरे को ब्लॉक बना के देखना हो सबसे पहले। ओके सो ये बन गया 1 स्टैक ब्लॉक और बन रहा है, ये बन गया और ब्लॉक और ले डायमंड यहाँ से एंड भाई नहीं होगा भाई, हम लोगों को 1 स्टैक और चाहिए, नहीं हो पाएगा भाई, मेरे को दोबारा से माइनिंग पर जाना पड़ेगा यार। अबे यार मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि इतनी ज़्यादा मैथ के बाद फाइनली हो जाएगा, बट अभी हम लोग को 22 ब्लॉक और चाहिए एंड 22 ब्लॉक के लिए मेरे को लगभग करने पड़ेंगे 3 से 4 स्टैक डायमंड माइन। सो यार दोबारा चलते हैं यार माइनिंग करते हैं एंड मैं तुम लोग को टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं जल्दी चलता हूँ माइनिंग करके लाता हूँ देन हम लोग डायरेक्टली मिलते हैं। एंड बाकी इस बैम्बू को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ ताकि ये उग जाएगा।
ओके सो गाइस, और 5000 ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद हम लोग के पास हो चुके हैं इनफ डायमंड टू मेक फुल डायमंड बीकन। भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग था लास्ट वाला जो, तो सबसे पहले हम लोग जाकर सो जाते हैं भाई, क्योंकि रात हो चुकी है एंड मैं इतनी रातों से सोया नहीं, तो फैंटम भी पीछे पड़ गए थे रास्ते में, तो उनसे बच के जैसे तैसे मैं आया हूँ एंड मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इनको माइन करने में। भाई लिटरली अब जो होगा ना भाई डायमंड बीकन, इसका जो रिजल्ट होगा उसका मज़ा आ जाएगा। तुम लोग देखते हो लगभग हम लोग के पास 3 स्टैक एंड 10 डायमंड है, तो इनसे 22 ब्लॉक बन जाएंगे। मैं अभी वहीं से बना कर चेक करके लाया हूँ कि बनेंगे या नहीं। सो अभी हम लोग जल्दी से इन्वेंट्री खाली करते हैं। भाई इन्वेंट्री में फुल कचरा भरा था, माइनिंग क्या करो, तो सबसे पहले जो भी कचरा वचरा उसको खाली करते हैं। भाई पूरी इन्वेंट्री में अभी डायमंड आने वाला, डायमंड डायमंड भाई साहब, भाई पैसा ही पैसा होगा यार। ओके सो यहाँ पर चलते हैं, ये हम लोग के डायमंड्स, डायमंड के ब्लॉक एंड इससे हम लोग और बनाते 22 एंड भाई फाइनली हो चुके हम लोग के पास 2 स्टैक एंड 36 डायमंड ब्लॉक। लिटरली भाई इतनी मेहनत, भाई 2-3 दिन से मैं माइनिंग कर रहा हूँ लगातार, अब जाके फाइनली हम लोग के पास हो चुके हैं। तो अभी हम लोग जल्दी चलते हैं, कुछ सामान वगैरह लेते हैं एंड बट उससे पहले हम लोग को चाहिएगा एक बीकन एंड बट बीकन को बनाने के लिए भाई मैं नहीं जाने वाला हूँ दूसरे वीडर को बनाने लिए, क्योंकि मैं ट्राई करके आ चुका हूँ। न जाने भाई मेरी किस्मत कैसी है, मेरे पास 2 फोर्ट्रेस है पर दोनों में स्पॉन ही नहीं होते भाई स्केलेटन, और स्केलेटन स्पॉन होते तो उससे हेड ड्रॉप ही नहीं होता है। तो अभी मैं आयरन वाला यूज़ करने वाला हूँ। ओ भाई इसको मारो भाई, यहाँ पर कभी कभी अटक जाता है, जब भी मैं ऐसे गुजरता हूँगा ये यहाँ पर अटका हुआ होगा, तो इससे फाइट करते हैं। भाई मार तो नहीं देगा, मैं अपने पास गॉड आर्मर है भाई, वीदर को मारा तो ये आयरन गोलेम क्या जीते। ओके मर गया भाई, फालतू में पंगे ले रहा था। ओके सो मैंने बीकन के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक बढ़िया सा, जहाँ पर हम लोग बीकन लगाएंगे। सो अभी जल्दी से हम लोग डायमंड ब्लॉक ले लेते हैं एंड बाकी जो कचरा वचरा है फालतू सामान यहाँ पर रख देते हैं। मैंने सिंपल ही बनाया, थोड़ा बहुत अच्छा बनाऊंगा बट एक बार अभी सिंपल ही बना दिया एंड उसके ऊपर हम लोग डायमंड का पूरा बीकन बनाने वाले हैं। सो अभी जो भी कचरा है वो खाली कर देते हैं एंड जो डायमंड ब्लॉक है वो जल्दी से ले लेते हैं यहाँ से, कहाँ गए यहाँ पर ये रहे। एंड मेरे को यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर वो लगानी पड़ेगी फ्रेम वगैरह, ताकि मेरे को पता पड़े कि इसमें कौन से ब्लॉक बने हुए हैं। मैंने स्टोरिंग सिस्टम तो बना दिया बट मेरे को पता ही नहीं कहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। सो जल्दी चलते हैं एंड बीकन ले लेते हैं एंड अभी मैं आयरन वाला बीकन लेने वाला हूं एंड मैं ऑफलाइन में वीदर को मारूंगा, देन इन सबको मैं बीकन को दोबारा से एक्टिवेट कर दूंगा, क्योंकि यार अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, और भी ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता बीकन को, मतलब वीदर को मारने का, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, स्केलेटन स्पॉन नहीं हो रहे नेदर में। सो जल्दी चलते हैं। तुम लोग तो ये कुछ इस तरीके से मैंने एरिया बनाया है, ज़्यादा अच्छा नहीं, मुझे पता है बहुत बेकार सा लग रहा है बट या मेरे हिसाब से मेरे लिए ठीक है। सो जल्दी से डायमंड बीकन लगाते हैं, देखते हैं भाई ये कैसा लगता है। ओके सो फाइनली गाइस, तुम लोग देख सकते हो यार पूरा बीकन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड मेरे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है भाई, मैंने बनाया इतने सारे डायमंड इकट्ठे करके। एंड अभी तुम लोग देखते हो भाई पूरा बीकन एक्टिवेट हो चुका है एंड इसके अंदर हम लोग जल्दी से ले लेते पावर। सो अभी मेरे को गोल्ड वगैरह कुछ चाहिएगा एंड दूर से तुम लोगों को दिखाया तो किससे दिखता है, एंड मैं अपने घर से दिखाता हूँ ताकि थोड़ा तुम लोगों को टॉप व्यू आ जाए। सो यहाँ से हम लोग जल्दी से ऊपर चलते हैं एंड यहाँ से मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी भाई कितना ज़्यादा तगड़ा लग रहा है एंड मैंने घर के पीछे इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को अभी कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने अपने घर के पीछे इसको बना दिया है। बाकी और भी ज़्यादा मैं डिज़ाइन करूँगा अपने अपने पूरे किंगडम को, क्योंकि मेरे मुझे पता है मैं ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह कर नहीं रखी है। सो यस मेरे को वो करनी पड़ेगी, मैं ऑफलाइन में करूँगा। सो अभी हम लोग कुछ ले लेते हैं ऐसे गोल्ड वगैरह एंड आई थिंक सो किस में पड़ा है मेरे को देखना पड़ेगा। ओके कहाँ पर पड़ा होगा, अच्छा यहाँ पे पड़ा है गोल्ड, मतलब मेरे को ढूंढना पड़ता है भाई ये एक चीज़, मेरे को कुछ को पता नहीं रहती है। सो मैं आयरन ले लेता हूँ यहाँ से एंड जल्दी से चलते हैं भाई बीकन को एक्टिवेट करते हैं एंड इसमें मैं जंप टूल लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी इसके अलावा कोई ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। जल्दी चलते हैं हम लोग बीकन के अंदर, इसको एक्टिवेट करते हैं एंड यहाँ से हम लोग ले लेते हैं जंप टू एंड ये रीजनरेशन एंड जंप टू दोनों साथ में आते हैं। तुम लोग मुझे बताना कैसे आते हैं, मेरे को पता नहीं पड़ता है, बहुत जनों को देखा है मैंने लेते हुए एंड फाइनली तुम लोग देखते हो भाई हम लोग के पास आ चुकी है पूरी पावर। एंड गाइस फिलहाल ये थी आज की वीडियो एंड अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी उस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है एंड चैनल वगैरह न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में एंड बाय बाय।